AQ बाजार है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ग्राउंड पे क्या है, फर्स्ट पे क्या है, सेकंड, थर्ड? हमारे ग्राउंड पे भी शॉप्स हैं और साथ में फर्स्ट फ्लोर पे भी शॉप्स हैं, सेकंड पे भी शॉप्स हैं, फिर जो थर्ड है, अपर है, लोअर, मतलब में विलाज वगैरह हैं और ऐसे मतलब मार्केट्स भी है, ऊपर विलाज भी हैं। ये यहाँ से लेके एंड तक ग्रिड नंबर 1 से लेके ग्रिड नंबर 20 तक हमारे 7 फ्लोर मार्केट्स हैं। माशाल्लाह, बड़ा प्रोजेक्ट जी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। और ये मेरे ख्याल से तो कराची में ये बाज़ार सबसे बड़ा बाज़ार हम बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन रज़ा इस्मानी, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त प्रेसेंट 19 में मौजूद हूँ बहरिया टाउन में, और बहरिया टाउन में बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, कुछ तैयार हो चुके हैं, कुछ में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से जारी है। मैं जिस मुकाम पे खड़ा हुआ हूँ वो मेरे पुश्त पे आप देख सकते हैं, ये AQ बाज़ार है और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी डिटेल मैं आपको यहाँ के जो साइट सुपरवाइज़र हैं नवीद साहब, उनसे लेके दूंगा। तमाम डिटेल्स उनसे बात करेंगे, उनसे बात करके आपको तमाम डिटेल्स इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताएंगे। तो चले चल के उनसे मुलाकात करते हैं और आपके लिए डिटेल शेयर करते हैं। आ जाए, बस मैं AQ बाज़ार के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मौजूद हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे मेरे साथ जो मौजूद है वो साइट सुपरवाइज़र हैं AQ बाज़ार के, एहसन फारूक साहब। एहसन भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक हैं? अल्लाह का करम है। अच्छा एहसन भाई, थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के हवाले से डिटेल बता दें, कब शुरू हुआ था ये? शुरू होना तकरीबन 7 मंथ पहले शुरू हुआ था ये, ठीक है। इसके बेसमेंट की छत लगी थी 7 माह पहले, तो अभी जो हमारे जो मार्केट है वो 7 फ्लोर की है, उसके ऊपर विलाज है, ठीक है। तो जो 7 फ्लोर की मार्केट है वो हमारी तकरीबन 1 साल का टारगेट है, हम इंशाल्लाह 1 साल के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद जो हमारे आगे टावर वगैरह उन पर अभी काफ़ी टाइम लगेगा, उन पर अभी हमने वो देखा, एस्टिमेट नहीं लगाया हमने, लेकिन जो ड्यूरेशन का टाइम है अभी आप यहाँ नहीं बताइए, क्योंकि वो 3 टावर और लंबा काम है, लंबा प्रोसीजर, हमने अभी वो काउंट नहीं किया। अच्छा, तो जो मार्केट है वो इंशाल्लाह 1 ईयर के अंदर अंदर हमने वो करनी है, ये हमारा टारगेट है और हमने ये सेट किया है, ठीक है। थोड़ा सा ये बताएं कि ग्राउंड पे क्या है, फर्स्ट पे क्या है, सेकंड, थर्ड? हमारे ग्राउंड पे भी शॉप्स हैं और साथ में फर्स्ट फ्लोर पे भी शॉप्स हैं, सेकंड पे भी शॉप्स हैं, फिर जो थर्ड है, अपर है, लोअर, मतलब में विलाज वगैरह हैं और ऐसे मतलब मार्केट्स भी है, ऊपर विलाज भी हैं, ये है। अच्छा, विलाज जो हैं वो कितने हैं, उनका कवर्ड एरिया अंदाजन कितना है? अंदाजन का कवर एरिया है जो अभी, तो उसमें जो ऊपर विलाज के ना कवर एरिया, वो स्क्वेयर फीट के हिसाब से वो मैंने काउंट नहीं किया, क्योंकि अभी ऊपर वो उनका स्ट्रक्चर चल रहा है ना। कितने रूम्स वगैरह पूछते हैं? तो उनके आई थिंक 2 बेडरूम है, 3 हैं, ऐसे मुख्तलिफ हैं। 2 बेड 3 बेड 2 बेड 3 मुख्तलिफ हैं उसमें। प्रोजेक्ट जो है वो ग्राउंड प्लस 7 फ्लोर जो है मार्केट विलाज है जी, 7 तक मार्केट है। ये यहाँ से लेके एंड तक ग्रिड नंबर 1 से लेके ग्रिड नंबर 20 तक हमारे 7 फ्लोर मार्केट्स हैं। माशाल्लाह, बड़ा प्रोजेक्ट जी है आपका? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और ये मेरे ख्याल से तो कराची में ये बाज़ार सबसे बड़ा बाज़ार हम बना रहे हैं जी। इसमें कोई ख़ास रखा गया है कि मुख्तस कर देते हैं ना कि ये फ्लोर जो है वो फलाने मार्केट के हवाले से, सब्ज़ी के हवाले से, गोश्त के हवाले से, मोबाइल के हवाले से, कोई नहीं? ऐसा नहीं, हर एक शॉप है, एक फ्लोर पे आप सब्ज़ी भी रख सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ शॉप्स हैं, हर एक की अपनी मर्ज़ी है, वो कुछ भी रख सकते हैं, मतलब कि मल्टी जी हाँ, सारी शॉप्स, कोई ख़ास मखसूस नहीं है कि एक फ्लोर पर हमारा यही होगा या वो होगा, ऐसा नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हैं, हर एक की अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। अच्छा, अंदाजन इसको प्रोजेक्ट को कम्प्लीट होने में एक आगे पीछे तो हो जाता है, ज़ाहिर है 100% तो आप नहीं बता सकते, अंदाजन कितना टाइम लगेगा इसको? इस पूरे प्रोजेक्ट का तो मुझे वो एस्टिमेटेड है 3 साल लग जाएंगे तकरीबन, क्योंकि वो जो टावर्स हैं वो बहुत बड़े हैं, उनमें काफ़ी काम है, फिर 3 साल में टावर की आप लेंथ बता सकते हैं? उसकी है तकरीबन, उसके 30 फ्लोर हैं, उसके 30 फ्लोर तकरीबन 350 फिट बनती है उसकी हाइट, ठीक है। तो अच्छा, ये 3 टावर्स बनेंगे? 3 टावर, एक 30 है और एक 25 है और एक 22 है। वो रिहायशी होंगे सारे? जी, रिहायशी अपार्टमेंट्स होंगे, 1 बेड होगा, 2 बेड 3 बेड ऐसे समथिंग होंगे, लेकिन तो उनके नीचे भी हमारे जो 7th फ्लोर है ना, उनमें मार्केट होगी, उनके ऊपर वो होंगे टावर होंगे। अच्छा, पार्किंग के हवाले से बताइए थोड़ा। पार्किंग जो विलास की है वो हर एक के घर के सामने रैंप जाएगा, और वहाँ पे उनके वो हर एक के घर के सामने उनकी गाड़ी खड़ी होगी और रैंप जाएंगे ऊपर पार्किंग, मतलब कि बिल्कुल ऐसे जैसे आप ग्राउंड फ्लोर में, ग्राउंड पे ज़मीनी जो मकान होते हैं एज इट इज़ वही माहौल होगा, विलास का मकसद यही है ना? वैसे बहुत ज़बरदस्त। तो अभी बस ये देखें कि एक बहुत शानदार सा प्रोजेक्ट है ये, और जो कंप्लीट होने के बाद जो उसकी शक्ल निकल कर आएगी वो काबिले दीद होगी, इसलिए कि फ्लैट वाले सिस्टम में रह के आप ग्राउंड फ्लोर वाले घर जैसा विलास, बिल्कुल विलास जैसा माहौल आपको मिलेगा।
नवीन भाई बहुत आपका शुक्रिया, बहुत आपने कीमती वक्त दिया, सो नाइस ऑफ यू। नवीन भाई जी, एक इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपको यहाँ से भी AQ बाज़ार से, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, मिर्ज़ाबाद के चैनल को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर करते हैं। अपने होस्ट और एहसन भाई को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।